आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च, बिल्कुल नए तरीके से इसको मैं ग्रिल करके बनाऊँगी माइक्रोवेव में। आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं, बट माइक्रोवेव में थोड़ा ऑयल कम लगेगा इसमें यूज़ करेंगे तो बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कैप्सिकम को आप टॉप उसका नाइफ से आप अलग कर देंगे और अंदर से इसका जो भी सीड्स वगैरह वो भी हटा देंगे। और ये हटाने के बाद इसी तरीके से मैंने मतलब एक साइज़ कोशिश करेंगे कि हमारी जो शिमला मिर्च का साइज़ हो एक जैसा हो, और इसका बेस हमें थोड़ा सा इक्वल करना होगा तो थोड़ा सा हम नीचे से कट कर देंगे। और इस तरीके से मैंने कोशिश करेंगे सेम साइज़ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मीडियम साइज़ की कैप्सिकम रहेंगी। सारी शिमला मिर्च मेरे पास जो भी है मैंने इस तरीके से कट करके रख दी है। अब सबसे पहले पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे और गार्लिक थोड़ा सा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अभी हम इस पर चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इस तरीके से इसको थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे। और इसमें अभी स्लाइस हमारे मशरूम है, मैंने मशरूम लिया हुआ है स्टफिंग के लिए, और मशरूम इस तरीके से पतला पतला स्लाइस करके काट के डाल देंगे। मटर मैंने बॉईल करके लिए हुए हैं, हाफ बाउल मटर लिया है। इसके बाद हम स्वीट कॉर्न भी बॉईल करके ले लेंगे। इस तरीके से बॉईल करके लेने से ठीक रहता है। अभी हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी और थोड़ा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे, चला के कश्मीरी मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, हाफ स्पून लिया है मैंने, और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच घी मैं डाल रही हूँ, टेस्ट अच्छा हो जाएगा इससे। अभी हम इसको बीच बीच में ढकते हुए पकाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पर चलाते भी रहेंगे। हमारा मटर और स्वीट कॉर्न तो ऑलरेडी कुक्ड ही है, बस मशरूम के लिए थोड़ा सा हम ढक के चलाएंगे। अभी हम टमाटो यहाँ पे डाल दे रहे हैं, एक चॉप किया हुआ टमाटर मैं ले रही हूँ। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। और अभी यहाँ पे मैं एक मैगी मसाला का पैकेट डाल रही हूँ, इससे टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे। टमाटर हमारा गल जाना चाहिए अच्छे से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको स्टफिंग बनाने में। अभी मैं यहाँ पे पनीर ग्रेट कर दे रही हूँ, इससे ग्रेट करके डालने से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट लगता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ऑलरेडी अपने आप में बहुत टेस्टी वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ का स्लाइस डाल दिया, आप चाहें तो चीज़ आपके पास क्यूब है तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर ढकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। चीज़ बहुत जल्दी मेल्ट होता है वैसे भी। अभी ये रेडी है हमारी स्टफिंग, देखिए इस तरीके से। इसको अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च में हमारा जो है शिमला मिर्च उसमें ऑयल लगा देंगे बाहर से, और ये हमारी जो भी स्टफिंग है हम इसको फिल कर देंगे। इस तरीके से मैं भर रही हूँ अच्छे से। इसे अभी हम बस माइक्रोवेव में ग्रिल करने रखेंगे। सबसे पहले 10 मिनट के लिए आपको प्रीहीट करना होगा माइक्रोवेव को। प्रीहीट करने के बाद ग्रिल मोड में हम इसको 10 मिनट तक कुक करेंगे। इस तरीके से मैं कैप इसका लगा दे रही हूँ। अभी हमारा जब 10 मिनट के बाद ये कुक होगा, हम 10 मिनट तक वेट करेंगे। देखिए मैंने रख दिया है 10 मिनट के बाद। अभी देख रहे हैं टॉप तो इसका अच्छे से हो गया, बट साइड से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश करें कि आपके पास कोई पैन मतलब तवर हो माइक्रोवेव का, उसमें ही आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा साइड से भी। तो अभी हम 10 मिनट के लिए मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ, और 10 मिनट के लिए फिर से और करेंगे इसको, ताकि हमारा नीचे भी हो जाएगा अच्छे से कुक। ये देखिए अभी इसका टेस्ट इतना डिफरेंट है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ अपने सजेशंस भी मुझे दीजिए, ये रेडी टू सर्व है। आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स है ये, और सभी को बहुत पसंद आता है।
आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।